अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोमा ऑफ फूड। तो दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो दोस्तों आज हम कुछ किचन के टिप्स बताते हैं आपको। तो चलो किचन में चलते हैं, तो आपको हम टिप्स बताते हैं और बहुत काम आने वाली टिप्स है। तो गाइस हम आ गए थे किचन में। तो देखो हम भगोड़े बनाए थे बिरयानी, तो देखो चावल में बहुत सारा चिपक गया, जल गया है। अगर आप कभी चावल या सब्जी पकाओ इसे जल जाए तो उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी आसान से ट्रिक बता रही हूँ कैसे साफ़ करना है इसको। देखो इसमें एक गिलास भर के पानी डाल दी हूँ हम, और उसको हम गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी, यानी रख दूँगी गैस पे। गर्म करना है इसको, जब पानी देखो ये खौलने लगे ना, यानी उबल जाए, तो इसको इसे लेके हल्का सा चम्मच दो, गैस हम बंद कर दी, और इसको हल्के से चम्मच लो और इसको इसे हल्के हल्के हाथ चला दो, इस पर थोड़ा ठंडा हो जाए पानी, तो हल्का सा नहीं तो एकदम गर्म में लगा दियो। देखो फटाफट से वैसे से छूट जाएगा ये, इसको आप चाहे तो जूने से रगड़ दोगे तब भी छूट जाएगा, लेकिन इसे हल्का सा हम चम्मच से इसको आपको छुड़ा कर दिखा दे रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, देखो इसको 2 मिनट में भी इसे छूट जाएगा ये सारा। उसके बाद इसको आप लोग जूना, पहले इसका पानी हम फेंक देते हैं, दो सारा छूट गया एकदम बिल्कुल साफ हो गया। अब इसका पानी हम नाली में गिरा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम एक लेंगे जूना, उसे आप चाहे तो वो जो हरा वाला जूना होता है उससे, या तो जो स्टील वाला आता है उससे आप थोड़ा हल्का सा रगड़ना, इसको एकदम साफ़ हो जाएगा। देखो इसको हल्का सा रगड़ दे रहे हैं बस, देखो एकदम चमक गया पतीला। कोई सा भी जल जाए कोई सी चीज़ तो कोई परेशानी नहीं, बस इसी ट्रिक से आप छुड़ाओगे तो फटाफट से छूट जाते हो। छूट गया ना एकदम, चमचमा गया पतीला। तो इसी तरह से हम आपको एक ट्रिक और दिखाते हैं, आप हमारी वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो देखो एक लिए हैं हम रोटी पॉट, यानी जिसमें रोटी रखते हैं। अगर आप चना जिसे भिगाना भूल गए हो तो आपका चना 1 घंटे में ही तैयार हो जाएगा। देखो चने को हम एक कटोरी चना ली हूँ, इसको हम इसमें देखो इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद हम एक भगोने में पानी गर्म करूँगी, देखो पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। 1.5 गिलास पानी ली हूँ गर्म करने के लिए। जब ये पानी हमारा खौलने लगेगा तो इसको उठा के हम बस इसी में डाल देंगे, बस इसको डाल के 1 घंटे के लिए हम इसको बंद करके रख दूँगी। 1 घंटे में चना हमारा फूल के तैयार हो। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते, दिमाग उतर जाती है बात, कब किसी काम में उलझ जाओ। देखो चना हमारा 1 घंटे में तैयार हो गया। वीडियो हमारी कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो नई वीडियो डाले आप तक पहुँच जाए। देखो चना हमारा पूरा एकदम फूल गया, आपको हम तोड़ कर भी दिखा देने, अभी हम पास से आपको एकदम दिखा देते हैं, जो एकदम पास दिखा एकदम फूल के 1 घंटे में ये फूला है। ज़्यादा इसको हम नहीं भिगा कर रखे थे, बस 1 घंटे रखी थी, अभी पकाने के लिए रेडी हो गया है ना। बहुत काम की किचन टिप्स। और एक बात और, अगर आपका सिलेंडर कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है ठंडियों का मौसम है, तो उसमें आप एक भगोने में पानी गर्म करो, उसको टप में डालो, उसमें सिलेंडर रख दो, और सिलेंडर में जो सारी गैस होती है वो सारी आ जाएगी आपके काम में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।